नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टेक्निकल गार्डनिंग विद अभी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो ब्लैक एफिड्स, काले कलर के एफिड्स, या जिनको हम हमारे लोकल भाषा में माहो बोलते हैं, वो हमारे पौधों को देखिए किस प्रकार जकड़ लेते हैं। ये एक सीजन में ही आते हैं, एक सीजन के बाद, एक टाइम के बाद ये चले जाते हैं, फिर ये पौधों में नहीं आते हैं, फिर अपने सीजन में जब सीजन वापस होता है तो फिर ये वापस पौधों में आ जाते हैं। तो इनको किस प्रकार कंट्रोल करें, क्या तरीका अपनाएं, तो मैं आपको दिखाऊं। देखिए, जिस ये क्या जो कलियां होती हैं, जहां कलियां बन रही होती हैं, पौधों की जो ऊपरी भाग होती है उसी पे अटैक करते हैं, और जितना रस होता है पौधे में वो ये सारा चूस जाते हैं और पौधे को सुखा देते हैं। तो इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, जो भी चीज़ें मैं जो सामग्री यूज करूंगा वो अपने गार्डन से ही लेके यूज करूंगा, तो आप भी इसे बना सकते हैं और इन पे छिड़काव करके इनसे मुक्ति पा सकते हैं। तो कुछ भी मुझे अलग से लेके नहीं आना है, सारी चीज़ें गार्डन से ही लेनी है। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, हम बात करते हैं कि इससे बचने के लिए हमें करना क्या है उपाय। तो तीन चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, लहसुन और नीम की पत्ती और हरी मिर्च, ये तीन चीज़ें आपको चाहिए। तो ये तीनों ही चीज़ें मुझे मेरे गार्डन में ही मिल जाएंगी। मैं आपको दिखाता हूँ, इधर हरी मिर्च देखिए मेरे यहाँ लगी हुई है ढेर सारी, तो बहुत ज़्यादा अपने को नहीं चाहिए, 5 से 6 हरी मिर्च हम ले लेंगे, तो हम गार्डन से ही तोड़ लेते हैं अपने। और ये देखिए जो लाल वाली हो गई हैं, ये और अच्छी होंगी, तो मैं इन्हें ही तोड़ लेता हूँ। तो अगर आपके पास गार्डन में नहीं है तो आपके घर में मौजूद ही होगा, आप उसे ले सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने ये कुछ हरी मिर्च अपने गार्डन से ले ली है। अब इसके अलावा हमें चाहिए लहसुन की कलियाँ, तो मैंने कल ही लहसुन हार्वेस्ट किया है, उसमें से 2 कलियाँ मैं लहसुन की ले लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, 2 कलियाँ लहसुन की, 6 हरी मिर्च हो गई मेरी। अब आ जाते हैं हम नीम के पत्ते पर। तो ये देखिए दोस्तों, ये नीम का पत्ता है, जो हमारे यहाँ नीम मैंने लगा रखी है, तो इनमें से कुछ पत्तियाँ मैं तोड़ लूँगा। आप भी अगर नीम आपके यहाँ नहीं लगी हुई है, तो नीम के पत्ते बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं हमें, तो आप नीम के पत्ते ले सकते हैं। मैंने हालांकि ये बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं, इसलिए मैंने नीम को उगा रखा है। तो देखिए, मैंने कुछ पत्तियां नीम की तोड़ ली हैं। बड़े मात्रा में अगर हम बनाते हैं तो उसी हिसाब से, उसी रेशियो से हम नीम की पत्ती और मिर्च, ये सारी चीज़ें लेते हैं। मैं चूंकि छोटे मात्रा में बना रहा हूं, तो ये देखिए आप, ये सारी चीज़ें हमने ले ली हैं। अब देखिए दोस्तों, मैंने करीब 0.5 लीटर से थोड़ा ज़्यादा पानी लेकर इसको रख दिया है गैस पर उबलने के लिए, और तब तक आइए हम इसको, जो हमने नीम के पत्ते और गार्लिक और मिर्च ले रखी हैं, इन्हें थोड़ा कूट लेते हैं, क्योंकि अगर कूटेंगे नहीं तो इसमें से जो रस होगा वो अच्छे से पानी में मिलेगा नहीं, तो इसको पहले हम कूट लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये लहसुन की कलियां हैं, और हमने एक पत्थर के टुकड़े की मदद से इन्हें हल्का हल्का कूट दिया है, और एक एक करके हम ये सारी चीज़ें कूटते जाएँगे। और जो पानी हम गर्म कर रहे हैं उसमें मैं आपको दिखाऊँ, इस प्रकार डाल देंगे। अब देखिए दोस्तों, ये मिर्च है, इसे भी हमने कूट लिया। दोस्तों, एक एडवाइस है कि मिर्च काफ़ी तीखी होती है, तो अगर आपके यहाँ बच्चे हैं छोटे तो उनसे इसे दूर रखें, वरना नुकसान कर सकता है ये आपके बच्चों को। तो ये हमने मिर्च डाल ली, अब हम डालेंगे इसमें नीम की पत्तियों को, इसे भी हम हल्का कूट लेंगे। तो दोस्तों, ये देखिए नीम की पत्तियाँ, इसे भी हमने कूट लिया है, और इसे भी हम इस उबलते हुए पानी में डाल देंगे। तो सभी पत्तियों को हम इसमें डाल के करीब 15 मिनट के लिए या 20 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे। ये पानी उबलकर आधा हो जाएगा, तब हम इसे आगे यूज करेंगे। दोस्तों, इसे हम किसी चीज़ की मदद से ऐसे चला देंगे 1-2 बार, ताकि जितनी भी चीज़ें हैं सब पानी में अच्छे से मिल जाएं, और पानी उबलता रहेगा। इसे हम स्लो आँच पर, ज़्यादा तेज़ करके नहीं, स्लो आँच पर उबालेंगे, और करीब 15 से 20 मिनट तक पानी को हम उबालेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों 20 मिनट बाद।
तो दोस्तों अब आधे घंटे पूरे हो चुके हैं और आप देख पा रहे होंगे इस निशान से काफ़ी नीचे तक पानी जल के चला गया है, तो अब हम इसे बंद कर देंगे और छान लेंगे। तो अब इसे हम छान लेंगे, इसे अब हम छान लेंगे किसी कपड़े की मदद से या छन्नी की मदद से, आप भी छान सकते हैं। अब ये जो वेस्ट मटेरियल है इसको आप अपने कंपोस्ट बिन में डाल दीजिए, और जो ये लिक्विड निकल के तैयार हुआ है इसको हम छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए। मैं आपको इसका कलर दिखा दूं, ये आप देखिए जितने भी इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें डाल रखे थे उसकी वजह से इसका कलर आप देख सकते हैं अच्छा सा येलोइश कलर का हो गया है। तो इसको हम छोड़ देंगे करीब 2-3 घंटे के लिए, ठंडा हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको 2-3 घंटे बाद फिर आगे की वीडियो दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए, ये हमारा जो लिक्विड हमने तैयार कर रखा है, ये नीम की पत्ती, लाल हरी मिर्च और लहसुन को कूट कर उबाल कर अब ये काफ़ी अच्छे से ठंडा हो गया है और ये यूज करने के लिए रेडी हो चुका है। तो दोस्तों इसको यूज कैसे करना मैं आपको दिखाता हूँ कि करीब हमने 1 लीटर पानी लिया है, उसमें इसका हम 250 ml लिक्विड का मिलाएंगे, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नहीं मिलाना है। और ये मिलाने के बाद हम इस किसी भी स्प्रेयर बोतल में डालकर अपने पौधों पर स्प्रे कर लेंगे। उससे पहले हम इसको थोड़ा सा अच्छे से मिला लेंगे ताकि लिक्विड पूरे पानी में अच्छे से मिल जाए। और ये देखिए, ये मेरा बोतल है जिसमें मैं इसको डाल रहा हूँ। आप देख रहे हैं इसका कलर काफ़ी अच्छा है। तो ये अब हम चलते हैं पौधे पे स्प्रे करने। कैसे स्प्रे करना है वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम बिना जो ब्लैक एफिड्स हैं, खास करके जिसके लिए हमने ये घोल तैयार किया है, तो ब्लैक एफिड्स के लिए हमने तैयार किया है, मैं आपको दिखाता हूँ कि उसको स्प्रे कैसे करना है हमें ब्लैक एफिड्स पे। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारी सेम फली है जो इसमें कलियाँ आने लगी, और मैंने आपको बताया कि जो भी ये ब्लैक एफिड्स लगते हैं, ये जो हमारी टॉप पॉइंट्स होता है, कलियाँ होती हैं या फ्लावर्स होते हैं, उन्हीं पे ये ज़्यादा अटैक करते हैं और सारा रस चूस लेते हैं। तो इस पर हमें स्प्रे करना है। और ये देखिए, ये मैं दिखाऊँगा आपको, ये पत्तों के पीछे ज़्यादातर छिपे रहते हैं, ये देखिए ये पत्तों के पीछे काफ़ी मात्रा में होते हैं, तो इनको हमें पत्तों पे आगे और पीछे दोनों तरफ स्प्रे करना है अपने बनाए हुए मिश्रण का। तो ये देखिए दोस्तों, ये मैं आपको दिखाऊं, ये एफिड्स देखिए इसमें काफ़ी ज़्यादा इनका अटैक है, तो इसको हमें इस प्रकार से स्प्रे कर लेना है पूरे पौधे पे जहाँ जहाँ एफिड्स का अटैक दिख रहा है आपको। और ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि हमें पत्तों के पीछे भी इनका स्प्रे ज़रूर करना है। अगर हम पत्तों के पीछे नहीं करेंगे तो जहाँ जहाँ स्प्रे पड़ेगा, ये लिक्विड पड़ेगा, वहाँ से तो ये एफिड्स हट जाएंगे, पर जहाँ पत्तों के पीछे ही छुपे हुए हैं जो एफिड्स, वो फिर वापस निकल के आ जाते हैं। तो हमें पूरे पौधे पे बारीकी से पत्तों के आगे पीछे चारों तरफ इस मिश्रण का स्प्रे करना है। तो इस प्रकार दोस्तों, अगर आप घोल बनाकर स्प्रे करते हैं तो 1 से 2 दिन, एक बार में तो नहीं पर हफ्ते भर के अंदर अगर आप 2 दिन के गैप पर करते हैं स्प्रे, तो आप पूरी तरह से इस ब्लैक एफिड से निजात पा सकते हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, ये जो मिश्रण हमने बनाया, ये ब्लैक एफिड्स जो इसके अलावा वाइट एफिड्स होते हैं, मिली वक्त कह लीजिए आप, और जो तना छेदक फल छेदक होते हैं उनके लिए भी काफ़ी कारगर है। तो आप किसी भी प्रकार के जो गार्डन में आपको समस्या आ रही है इन एफिड्स की वजह से, तो उसके लिए, उससे निजात पाने के लिए लिक्विड बना सकते हैं और इसे यूज कर सकते हैं। 100% टेस्टेड है ये, तो इसे बनाएं, बहुत ही आसान है। दोस्तों अगर जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।